और आज की बहस क्यों, सवालों पर एक नजर डाल लेती हूं। उपचुनाव का रण, सीएम योगी का जीत का प्रण, पहला सवाल, इस पर भी चर्चा करेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वहीं दूसरा सवाल, एसपी के लड़ाके तैयार, बीजेपी के ऐलान का इंतजार, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है। एसपी का पीडीए वाला दांव, बीजेपी के पाले में उपचुनाव, इसके लिए अगला सवाल है, जनता पहुंचाएगी सियासी ठेस और चुनाव में फंसेंगे राहुल अखिलेश। इन्हीं सवालों के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में नंद किशोर गुर्जर, बीजेपी विधायक जुड़ गए हैं, और धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। पहला सवाल नंद किशोर जी आपसे ही, चूंकि आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही बीजेपी की, उपचुनाव में प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जाएगा, कितनी सीटों पर बीजेपी अपनी कैंडिडेट उतारने जा रही है और सहयोगियों पर इस बार कितना भरोसा किया जाएगा, कितनी सीटें सहयोगी दलों को दी जाएंगी? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा कितनी सीटें दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी, ये विषय तो हमारा। लेकिन एक बात तय है कि ये तो समाजवादी वाले तो अभी बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन 9 सीट हम लोग 10 में से जीतेंगे और ये रिजल्ट के बाद सबको पता चल जाएगा। और 10 सीट भी जनता में जिस तरह से उत्साह है, और इन लोगों ने जो झूठ लगातार बोला कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर रही है, और क्षत्रियों का सम्मेलन तमाम कुर्मियों में जिस तरह से भ्रम फैलाया, दलितों का आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में बैठ के बोल दिया है कि आरक्षण जहर है, तो जो इन्होंने झूठ बोला ये बाहर जाके कुछ बोलते हैं, ये जनता के सामने। अखिलेश यादव जी ने जब इनकी सरकार थी तो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त किया था, दलित समाज का गौरव, बहन कुमारी मायावती की हत्या करने का प्रयास किया था, और जो आतंकवादी जिन्होंने बम विस्फोट किए, लोगों की जान ली, उनको रिहा करने का आदेश दिया था, कार सेवकों पर गोली चलाई थी, और बलात्कार, दुराचार, डकैती, पूरा प्रदेश जंगल राज था। आज प्रदेश हमारा कई मसलों में पूरे देश में नंबर वन है, और इसलिए निश्चित तौर पर सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि इतना काम हुआ प्रदेश में, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है, तो लोकसभा में इतनी कम सीटें बीजेपी के खाते में क्यों हो जाएंगी, ये सवाल भी यहाँ पर है। मैंने पूरे कारण आपको गिनाए ना, कारण क्या था, एक भ्रमित जो है कालनेमी राक्षस ने भी हनुमान जी को थोड़ी देर के लिए भ्रम में डाल दिया, लेकिन अब पूरा प्रदेश जान चुका है, हरियाणा का चुनाव इसका आईना है। अब लोगों को पता चल गया कि बीजेपी आरक्षण समाप्त होने देगी, बीजेपी ने सभी वर्गों को साथ लेकर काम किया है, एक तरफा बीजेपी की आंधी है, वो जो भ्रम था कि आरक्षण खत्म करेंगे, और जो झूठ फैलाया गया कुर्मी समाज में, क्षत्रिय समाज में, तमाम तरह के संविधान लेके चले, अब इनके नेताओं ने जो सामने किया वो जनता को एक एक को मालूम हो गया है, तो वो चीजें समाप्त हो चुकी हैं। अब तो चुनाव जो होगा डेवलपमेंट पे होगा, और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था जो अच्छी हुई उस पर होगा, तो निश्चित तौर पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और चुनाव के बाद पता चल जाएगा, अभी ज्यादा देर नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसका जादू हरियाणा में तो नहीं चला, लेकिन अभी जो सीटों को लेकर गैमा गैमी चली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि 5 सीटें कांग्रेस की तरफ से मांगी गई थी लेकिन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। धीरेन्द्र जी, पहले तो नमस्कार आपको, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एक बार भी इन्होंने बुनियादी सवालों की बात नहीं की कि किस पर जनता से वोट मांगेंगे, जो इन्होंने 5 साल 7 साल प्रदेश में या दो कार्यकाल मोदी जी के सरकार में किया, आप पीछे इतिहास को दोहराते चले गए, इससे खुद बातचीत होता कितने हताश और निराश है और अपनी हार मान चुके हैं। दूसरी बात है कि हरियाणा में जो हुआ, तंत्र का प्रयोग करके षड्यंत्र के माध्यम से हरियाणा के लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की, उत्तर प्रदेश की महान जनता पूरी तरह पहले से अवेयर है, जान के इनके झूठ का पर्दाफाश 2000 चुकी है और पूरी तरह से तैयार बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 सीटों पर हराएंगे और आने वाले सारे चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा को खदेड़ने का काम करेंगे। अब सवाल आता है हमारे कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के 10 सीटों के बाद, देखिए 10 सीटों में सबसे पहले दिन से ही इंडिया गठबंधन के माध्यम से हमारे नेता का, समाजवादी पार्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो 10 सीटों पर वो नेता लड़ेंगे जो चुनाव जीत सकते हैं, जिन्होंने क्षेत्र में काम किया और जिनकी उपस्थिति रही है, या जो जिन लोगों का क्षेत्र में समीकरण अच्छा है उनको चलाएंगे। उसमें कभी भी ये बात सामने नहीं आई कि वो कांग्रेस पार्टी का नेता होगा, समाजवादी पार्टी का नेता होगा। देखिए 6 सीटों पे क्या हम तो 10 कोशिश कर सकते थे, 10 पे हमारे नेता समीक्षा कर चुके हैं और कैंडिडेट भी लगभग तय है, समय आने पर चुनाव आयोग जैसे निर्वाचन तिथि की घोषणा करेगा हम सारी कोशिश कर देंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमारा और कांग्रेस का
गठबंधन है वो आगे रहेगा। इंडिया के सारे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के नहीं, इंडिया गठबंधन के हैं। इसमें बहुत भारतीय जनता पार्टी चिंता करने की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी खुद देखे कि कितना देगी, जयंत चौधरी जी को क्या देगी, संजय निषाद जी को क्या देगी, ओम प्रकाश राजभर जी क्या देगी, पल्लवी पटेल जी को। सच ये है कि इसी को साधने के चक्कर में लगातार कभी दिल्ली में बैठक, कभी लखनऊ में बैठक, कभी अन्य जगहों पर बैठक है, लेकिन ये मंथन और बैठक धर्मेंद्र जी वो दिखाता है ना कि कितना सीरियसली बीजेपी इस चुनाव को ले रही। तीन तीन मंत्रियों की फौज उतार दी गई है हर एक सीट के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जाके प्रचार कर रही है, समाजवादी पार्टी का उस तरह का प्रचार दिख नहीं रहा है। धीरेन्द्र जी प्रचार पे सीरियस लेने के बजाय अगर उत्तर प्रदेश की जनता के हित में कुछ फैसले लेने में अगर तो हो सकता है उत्तर प्रदेश की महाजनता इसको बारे में विचार कर। सच ये है कि उत्तर प्रदेश जनता को ही सीरियस नहीं लेते, केवल बैठक और चुनाव लेते हैं। और ये इनका एक झूठ है, उत्तर प्रदेश की जनता ने 24 में तो आईना दिखा दिया। संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लगातार चाहे माध्यम से चाहे समता के लगातार काम किया। ठीक है नंदकिशोर जी, काम किया। देखिए जहां तक विकास की बात है तो एक पूरा प्रदेश जानता है, उत्तर प्रदेश में तीन तीन फुट के गड्ढे थे, बिजली आती नहीं थी 6 घंटे 4 घंटे, ट्रांसफार्मर फूकते थे, महीनों में बदलते थे, कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे, चिकित्सा जीरो थी, शिक्षा के नाम पे सब कुछ खत्म था, सारे स्कूल उनमें भैंस तवेले में घूमती थी, बिजली सड़क पानी शिक्षा चिकित्सा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो ऐतिहासिक काम, हाईवेज बने और उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला है, निवेश जब वहां प्रदेश का जो जिस तरह से नक्शा बदला है और यह लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है तो आज निवेश 36,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है, युवाओं को रोजगार मिला है, जितनी भर्तियां नीट एंड क्लीन हुई हैं, और ये पुरानी बात कह रहे हैं दोहराना ठीक नहीं है, तो इतिहास को लोग याद रखते हैं। इन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म किया था, आज आरक्षण की बात करते हैं दलित समाज की है, दलितों की बेटी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए इनके नेता भूमाफिया बोलते थे। ठीक है धर्मेंद्र जी, जिस तरह से लगातार सवाल उठा रही हैं आप बीजेपी पर कि कानून व्यवस्था और रोजगार को लेकर, लेकिन वो तमाम सवाल जनता तक आखिर क्यों नहीं पहुंचते? लोकसभा में जो रिजल्ट आया उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा डेंट लगा, सीटें कम हुई, लेकिन अब जो उपचुनाव है, जितना उपचुनाव को लेकर बीजेपी सीरियस है, तमाम बैठकें हो रही हैं, तीन तीन मंत्रियों को लगाया गया हर एक सीट पर, उतना सीरियस बीजेपी समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। धीरेन्द्र जी की हम ये सारे बुनियादी पहुंचाने में कामयाब रहे 2024 ने बात, ये देश लेवल में हो सकता है ये बात, लेकिन सच है आप देखिए पार्टी के साथी सुन रहे थे, ये गोल गोल और चुनावी भाषण के अलावा चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, किसी भी मामले में जवाब देने की स्थिति नहीं है। चाहे जनता के बुनियादी सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो, महंगाई की सवाल हो, चाहे महिला आदि आबादी की सुरक्षा का सवाल हो, दलितों पिछड़ों के को मुख्य धारा में लाने का सवाल हो, ये हर जगह फेल हुए हैं। देखिए रुपया कितना गिर गया, तेल के दाम कितना बढ़ गए, माँ गंगा को साफ करने को वादा किए थे, काशी को कोल्टो बनाने को वादा किए थे, सॉल्ट मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, इससे वादे काशी में पानी नाव चलाने वाली स्थिति हो गई, गोरखपुर के अंदर नाव चलाने की स्थिति हो गई, बरसात का पानी तक नहीं निकाल पा रहे स्मार्ट सिटी बनाने वाले लोग थे। तो सवाल यह है कि जनता यही पूछ रही है कि आपने जो वादा किया था, जो वादा करके 2017 में आए, 2022 में आए, 2019 में आए, तो उन वादों का क्या हुआ? जनता सिर्फ इतना पूछना चाहती है, इनके पास सवालों का कोई जवाब नहीं है। पूछे बताएंगे उस सरकार में ये हुआ था, बहन जी ने ये किया था, नेताजी ने ये किया था। अरे साहब आपको लगातार जनता बार बार वोट तो बीजेपी को ही कर रही, सत्ता में बीजेपी की तो वापसी हो रही धर्मेंद्र जी, इसीलिए आप पूछ रहे हैं कि लगातार हम आपको इतना मौका दे चुके हैं, जब अब तक आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है और अब आपको उत्तर प्रदेश की और देश की जनता मौका देने वाली नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। 2024 में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और क्योंकि वो अवेयर है, आने वाले हर चुनाव में इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। नंदकिशोर जी, मतलब बहुत शानदार बात कह रहे हैं लोग, मतलब पूरे प्रदेश के अंदर नक्शा बदल गया, पूरी दुनिया भरोसा करती है जिस उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने ऐसा बना दिया था लॉन्डर के ऑलर्ट के मामले में, आज आप भी बाहर जाते होंगे जो सच्चाई है। हमने बीच में नहीं बोला है, आपके पास बहुत समय आएंगे, आपके पास सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल को आप इनसे जवाब लेना। जवाब सुन लीजिए पहले, ये अपराधी लोग हैं,
ये लोग किसी को नहीं बोलने देना चाहते, ये अपने को बहुत बड़ा माफिया समझते हैं, इसलिए लगातार बात करने की कोशिश भी करते हैं। नंदकिशोर जी, पर्सनल चाहते हो करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपराधी माफिया आप, नंदकिशोर जी मुद्दे पे, मुद्दे आराम से बैठिए, डिबेट को डिबेट की तरह करिए, मुद्दे मुद्दे की आवश्यकता नहीं है, मैं बीच में बोला नहीं आपके, नहीं नहीं आप शांति रखिए। धर्मेंद्र जी तरह से नहीं, बीच में नहीं आएंगे, आपके पास आएंगे। नंदकिशोर जी टॉपिक पे जी, देखिए जहां तक डेवलपमेंट की बात है, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता पूरा, कि माने योगी जी ने कई आयाम में जितना इन पेमेंट करने के लिए 10-10 साल तक लोग धरना प्रदर्शन करते थे, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हमने गरीब को दिया है, हमने सोयल हेल्थ कार्ड दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड हमने दिया है, किसानों को सम्मान निधि हमने दी है, गरीब आदमी को कोरोना में जो प्रभावित योजना के तहत उनको सब्सिडी देकर के उनको अपने पैरों पर स्टैंड किया है, सारी सड़कें हाईवे पास केवल एक काम था, सेफई में हजारों करोड़ जो लोग थे यहाँ, आप क्यों नहीं नचाते, ये लोग सारा पैसा गरीबों का खर्च करते थे, पूरे प्रदेश को इन लोगों ने इस तरह बना दिया था, प्राइमरी एजुकेशन जितने स्कूल थे सब तबाह थे, भैंसे घूमती थी, हर मामले में आपके पास आंकड़े हैं, सारी चीज आप देख लीजिए, आज प्रदेश एकाध मामला छोड़ दीजिए, हर मामले में नंबर वन है, आज निवेश कर रहा उद्योगपति, आज तो देखिए काशी की बात कर रहे हैं, बनारस की, समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशी उतार चुकी है, कांग्रेस कितनी सीटों पर इस बार अपनी प्रत्याशी उतारने वाली है, उपचुनाव में कितनी सीटें डिमांड की गई थी? जी देखिए डिमांड और कुछ नहीं, हम 10 पे लड़ रहे हैं और 10 पे हम जीत सुनिश्चित करेंगे, हमारा गठबंधन 10 पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन किस पे लड़ रहा है जब गठबंधन है और गठबंधन यूपी में उपचुनाव में है, सब कह चुके हैं, तो ये कहना ही बेमानी सा हो जाता है कि कांग्रेस कितना सपा कितना, भाई चाहे सपा का प्रत्याशी हो चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, जीत सुनिश्चित कराने के लिए दोनों पार्टियां जिस तरह लोकसभा के चुनाव में हम साथ में थे और उसका जो रिजल्ट आया है, हम जानते हैं कि जब साथ में यूपी में हम होंगे तो बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे जनता के साथ में, विश्वास के साथ। तो यहाँ पे ये अवस्थी जगह मैं कहूँ कि ये प्रश्न ही नहीं है उपचुनाव में कि कांग्रेस कितना डिमांड कर रही थी, कांग्रेस को कितना मिला, सपा को कितना मिला, कब नहीं, कर बीच दिया। में ये सुनने में आया कि कांग्रेस की तरफ से 5 सीटें मांगी गई थी लेकिन अब 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी कब तक घोषित किए जाएंगे? जी जो विश्वस्त सूत्र आपके थे तो हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि हम 10 सीटों पे लड़ रहे हैं गठबंधन के साथ, तो हमारी बात को ज्यादा वैल्यू दी जाए क्योंकि जो विश्वस्त सूत्र हमारे होंगे वो पार्टी के अंदर से होंगे तो आपको सही सूचनाएं देंगे, और जो सूचनाएं आती हैं वो सूचनाएं डिपेंड करता है कि किस तरह आपको लेनी है और किस तरह उसको फ्लोट करना है, ये लोगों पे डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है उपचुनाव में जिस तरह भाजपा के प्रवक्ता हों या भाजपा के लोग हों, जिस तरह से वो उत्तर देते हैं वो दिखाता है कि कितनी बेचैनी, कितनी घबराहट, और उपचुनाव अगर सच्ची उपचुनाव में उन्हें जीत लगती ही हो रही है, जबकि सब लोग कहते हैं कि उपचुनाव सरकार का होता है, उसके बाद सभी पूरे देश में उपचुनाव न होके बाद में कराना, ये दिखाता है कि इनका क्या मन है, ये लोकतंत्र की कितनी रक्षा करते हैं। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, अरे भाई सरकार का कर्तव्य अच्छा करना होता है तो कुछ क्यों छोड़ा जाए, मैं आपसे क्यों ना पूछूं कि कितने नौकरी आपने दिया नौजवानों को, महंगाई कितनी बड़ी, भूख इंडेक्स पे हम कहाँ हैं, हमारी डॉलर पे, हमारी रुपए की स्थिति कहाँ पे है, ये हम किससे पूछेंगे, हमें 5 जो लाखों रुपए मिल रहे थे कालेधन का वो कहाँ है, हमारी नोट बदली उसका क्या फायदा हुआ, ये प्रश्न हम आपसे करेंगे, और ये ऐसे सवाल है जिसका उत्तर आप देते नहीं है, उल जलूल यहाँ वहां की बातें, तो देखिए जनता समझदार हो गई है, आप जानते हैं जब जनता सच्चाई समझदार हो गई है, कब से ये सवाल उठाए जा रहे हैं उसके बाद भी बीजेपी को ही जनता वोट कर रही है, नहीं 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 आप समझा नहीं पा रही जनता को, ना सुनिए सुनिए अवस्थी जी, जनता हमारे साथ भी है, वो जीत रहे हैं, अब वही प्रश्न है कि जनता जो हमारे साथ खड़ी है, अभी हरियाणा के चुनाव की बात करूं मैं आपसे, कश्मीर को आप लोग छोड़ देते हैं, हरियाणा को ही ले लेते हैं, वोट परसेंटाइल किसका बड़ा है, कितना प्रतिशत कांग्रेस को मिला है, कितना भाजपा को, अगर आप इसमें जाएंगे तो जितनी जनसंख्या है उसमें आधे जितने भी लोग इनको वोट दे रहे हैं उससे अधिक लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो आप किसे प्रश्न उठा सकते हैं कि जनता हमारे साथ नहीं है, मैंने कहा ना कि जनता का साथ हमें मिला, उनका पूरा आशीर्वाद मिला, लेकिन हाँ वो क्या खामियां रह गई कि उसको हम सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए, ये कर गई, ये प्रॉब्लम सिर्फ अभी है, ऐसा नहीं जनता मेरे साथ नहीं है, तो ये प्रश्न मत खड़ा किया करें जनता साथ में नहीं है, ठीक है, जनता में इनका वोट प्रतिशत और हमारा कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आएगा, 2 चुनाव हुए, 1 में इनकी हार, 1 में हमारी जीत, इसका मतलब जनता हमारे साथ
पूरी तरह से खड़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं खड़ी है। तो ये जो जनता पे आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, नहीं तो ईवीएम को लेकर फिर सवाल क्यों खड़े किए जाने लगते हैं फिर, अगर क्योंकि हमने जहाँ पे सुनिए जी, लोकसभा के चुनाव में जो आपकी सरकारी रिपोर्ट में आया था कितने वोटों की गिनती नहीं हुई, उसका क्या हुआ? पूछा आपने प्रश्न अवस्थी जी, पूछिएगा प्रश्न कि उन वोटों को लेकर जो शिकायतें सरकारी महकमों से आई और बताया गया, उन वोटों का क्या हुआ? और अभी जो हमने संज्ञान में दिया चुनाव आयोग के, वो जो शिकायतें थी 99%, आप मोबाइल चार्ज करके सुबह घर से निकलिए, आपका अवस्थी जी मोबाइल चार्ज पूरा नहीं रहता है, और मशीन की आप बात कर रहे हैं 99% वोटिंग होने के बाद मिल रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं नंद किशोर जी से, जवाब ले लेते हैं नंद किशोर जी। अब मशीन की बात आई ना, जब सुबह इनके रुझान आए तो ये लोग जलेबी बनाने लगे, और जब जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको अपमान कर रहे हैं, इसलिए जनता इन लोगों को देख रही है। और जब जनता वोट देती है तो जनता जो डेवलपमेंट होता है, जो सरकार के काम होते हैं, उनके ऊपर ही वोट करती है। जनता जनार्दन का अपमान करना सही नहीं है। हरियाणा का मसला हो या उत्तर प्रदेश का मामला हो, उत्तर प्रदेश में तो खैर जो सपा समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी, कांग्रेस का इनका कोई मेल नहीं है, समाजवादी पार्टी का एक अपना अलग है, कांग्रेस का अलग है, लेकिन हमें लगता है कि राहुल गांधी जी को जो सलाहकार हैं या जो उनके लोग हैं वो सही सलाह नहीं दे रहे हैं। अभी इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है। आप जो मैडम बोल रही हैं उनको भी इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना रोजगार हुआ है, और नौकरियां जो लगी हैं वो नीट एंड क्लीन लगी हैं। इनकी जो बीमारी थी, पेपर लीक होने का, जो तथ्यों की बात हो भाई, 8,72,000 नौकरियां लगी हमारे यहाँ मैडम, 8,72,000 नौकरियां हमारे यहाँ, कई डिपार्टमेंट पूरा डाटा पहुंचा दूंगा मैं। सुनिए, नहीं नहीं डाटा नहीं पहचाना है, जो रोजगार पढ़ाती हूँ मैं, शिक्षिका हूँ, नहीं तो रोजगार आप जब प्रश्नों का उत्तर दिया कम से कम, नहीं हमारी बात आप सुनिए मैडम, हम आपके बीच में बोले नहीं, इसलिए नहीं आप मेरी बात को काट रहे हैं, इसलिए मैंने बोला बीच में, नहीं तो आपकी बात नहीं काटेंगे कि हम आपकी बात को हम डेटो करते रहे कि आप सही कह रहे हैं, अभी जब रिजल्ट आएगा आपकी बात को, नहीं तो मैंने काटा नहीं ना, आपने नंद किशोर जी अपनी बात कंप्लीट, नहीं नहीं गलत बात है, गलत बात है, इस तरह से नहीं होता है, आप अपनी बात कंप्लीट, किसी ने नहीं काटा नंद किशोर जी, इसलिए पेशेंस रखिए। आप लोगों में दिक्कत यही है, तो भारतीय जनता पार्टी माने मोदी जी की लीडरशिप में इन्होंने किसान को 10 रुपए नहीं दिया, आज तक गन्ने का पेमेंट करते नहीं थे, आज हम लोग 6,000 रुपए किसान के खाद बीज के लिए सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं, स्वनिधि के रूप में गरीब को दे रहे हैं। आज हमने उत्तर प्रदेश में अकेले 4 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए हैं, एलपीजी सिलेंडर्स दिए हैं, आज बिजली का जो 24 आवर सिटीज में 22 आवर विलेज में बिजली आ रही है, 5-4 घंटे बिजली आती थी, ट्रांसफार्मर फूकता था उसके लिए भी रिश्वत इकट्ठी करनी पड़ती थी। आप इस सच्चाई से अगर गांव देहात से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट तो नंद किशोर जी सबके सामने था, इतना काम अगर हुआ तो इतनी सीटें कम कैसे हो गई, अगर इतना विकास हो रहा था बीजेपी की गवर्नमेंट का, और आज उपचुनाव के लिए नंद किशोर जी सवाल बता दिया उसकी बात, उपचुनाव में भी बीजेपी को इतना सोचना पड़ रहा है, 3 से 4 पैनल की जो लिस्ट गई है, मतलब एक सीट पर 3 से 4 लोगों के नाम की चर्चा की जा रही है, बहुत गहन मंथन करने के बाद वहां पर प्रत्याशी सेलेक्ट किए जा रहे हैं, इतना सोचना पड़ रहा है उपचुनाव को लेकर। हमारी पार्टी कार्यकर्ता 20 पार्टी है, बहुत मंथन के बाद कौन करता, किसका क्या फीडबैक है, क्या उसकी सर्वे रिपोर्ट है, लोगों के बीच में कैसा उसका बिहेव है, ये तमाम चीजें हमारा केंद्रीय जो पहले प्रदेश की लीडरशिप फिर केंद्र की, उसके बाद एक एक बात को बूथ से लेकर के, हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है कि कोई भी घोषित कर दिया, तो यहाँ पूरा मंथन होता है। और हमारे लिए तो एक अगर कहीं सहकारिता का चेयरमैन भी बनना है उसके लिए भी पार्टी एक एक गांव प्रधान से लेकर के कोई भी चुनाव हो हम उतना ही मेहनत करते हैं जितना हम लोग माने सांसद के चुनाव में करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है धर्मेंद्र जी, जिस तरह से दावे किए जा रहे बीजेपी की तरफ से कि इस बार के उपचुनाव में बीजेपी 9 से 10 सीटें जो हैं उन पर जीतने जा रही है, धीरेंद्र जी एक भी स्पेसिफिक जवाब विधायक नंदकिशोर जी नहीं दे पाए, ये वही विधायक जी है जो अभी तक कह रहे थे एनसीआर को बचा लो, पूरा लुक जा रहा है, पूरा कानून व्यवस्था नाराज थे, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो बसाए गए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा उनको हटाना पड़ेगा। नंद किशोर जी बीच में नहीं, हार से अभी उबर नहीं पाए, हार आपके बीच में नहीं बोले थे धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आप अपनी बात रखिए, बात सुनिए, इनको बताना चाहिए कि कितना मेगावाट बिजली उत्पादन में योगी जी के सरकार 2 कार्यकाल में कितना नए बिजली घर लगे, इनको बताना चाहिए 2022 में वादा करे किसानों को सिंचाई मुक्त कर देंगे, इनको बताना चाहिए 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च करेंगे उस पर कितना काम किया, आलू टमाटर प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का इन्होंने फंड बनाने कहा था उस पर कुछ काम किया हो तो बताएं, 10 लाख रोजगार देने कहा था उस पर कुछ किया हो बताएं, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान
और नहीं तो उनको ब्याज देने की बात थी। कितने लोग ब्याज दिया हो, विधायक भी है सदन में रहते हैं, इनको बताना चाहिए। ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। गड्ढा मुक्त की बात करके पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा युक्त कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लखनऊ के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं बता सकते। अलबत्ता JPNIC जो LDA से 100 मीटर के अंदर में है, परिध में है, वहाँ कह रहे हैं कि साफ कीड़ा दीक्षित गोजर पहन रहा है। कीड़ा दीक्षित गोजर इनके लोग अधिकारियों दिमाग में है। 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क खोलने की बात की थी। काफी मेरठ गोरखपुर ठीक है धर्मेंद्र जी, क्योंकि समय कम है, आप सभी का न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।